पारा शिक्षकों का 16 साल पुराना आंदोलन हमने पूरा किया। हमारे जो सुरक्षा लगे हुए जो पुलिसकर्मी भाई बहन हैं, उनके मुंह में हमने खुशियां लौटाई, सीएलपी देने का काम किया। मतलब इस राज्य के हर वर्ग को मुस्कान देना हम लोगों के लिए आज अपराध है। आज हेमंत सोरेन अपराधी है क्योंकि वो झारखंड वासियों की खुशहाली की कामना करता है। हेमंत सोरेन अपराधी है क्योंकि यहां के मूल वासी आदिवासियों की पहचान जलाने की काम करता है। हेमंत सोरेन इसलिए अपराधी है क्योंकि वो खुद एक आदिवासी, यही तो हमारा दोष है, यही तो हमारी कमी है कि हमने 40 वर्षों का संघर्ष के बाद, हजारों कुर्बानी देने के बाद, संकट और संघर्ष को अपने साथ आत्मसात करने के बाद इस राज्य को लिया था। यही तो जो राजनीतिक उपनिवेश बात चलाते थे इस इलाके में, उनको तकलीफ। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से, कल तो ये भी चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बजे इस्तीफा देने जाएंगे, और वो भी बहुत बड़े बड़े जिम्मेवार चैनल। इस तरह से हम लोगों पर अत्याचार बंद होना चाहिए। जो पूंजीपति घराने के लोग हैं, उनके जो पोषक तत्व हैं, उनको हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि यहां के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, संकट में भी हम लोग हौसला हारने वाले लोग नहीं। इसलिए माननीय राज्यपाल महोदय जी, आपसे आप बहुत बहुत ही संभ्रांत राजनीतिज्ञ रहे हैं। आप कृपया भारतीय जनता पार्टी का टूल किट मत बन जाइएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।